और इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 500 के नोटों की घटियों के साथ खेलते एक थानेदार के बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया, क्योंकि जो तस्वीर वायरल हुई उसमें उनके बच्चे लाखों रुपए के कैश के साथ दिखाई दिए। वहां 500 रुपयों की 27 गड्डियां नजर आई। नोटों के बंडल में कुल 14 लाख रुपए होने की बात कही जा रही है, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी एसपी को मिली तुरंत उसके बाद एक्शन ले लिया गया। सोशल मीडिया पर लाखों रुपए के कैश के साथ थानेदार के बच्चों की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। और उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चावल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया। बताया ये गया कि ठगों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर कारोबारी से ठगी की। ठगों के कारोबारी के घर घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें फर्जी ईडी की टीम बनाकर 5 लोग काले रंग की गाड़ी से आते दिखे। आरोपियों ने सफेद शर्ट और खाकी रंग की पैंट और लाल रंग के जूते पहन रखे थे। दावा यह है कि वो सीधे चावल व्यापारी विरेत गुप्ता के ऑफिस पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उन्होंने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर कारोबारी पर टैक्स की बड़ी चोरी करने का आरोप लगाया। आरोपियों ने कारोबारी के ऑफिस की तलाशी ली और वहां 2 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके बाद वो 2 करोड़ कैश के साथ ही कारोबारी को अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए। बाद में कारोबारी को राजनांदगांव के सामने टोल प्लाजा के पास ही उतार दिया। हालांकि उसके बाद कारोबारी को अपने साथ ठगी होने की आशंका हुई तो उसने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और मुंबई के कांदिवली इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक घर में बाथरूम का मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह तेज बारिश बताई गई। लोगों ने बताया कि कांदिवली के अशोक नगर इलाके में शाम को अचानक से ही हुई तेज बारिश के चलते बाथरूम की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में घर के भीतर मौजूद एक व्यक्ति आ गया। और उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद उसमें बैठे 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए। जिस वक्त यह हादसा हुआ कार में 8 लोग बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही कार हादसे का शिकार हुई 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि कार की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से वो अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद वो सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। बहुत तेज रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी, 120 किलोमीटर की स्पीड पे। बताया जा रहा है कि कार सवार एक बच्चे के इलाज के लिए तेज रफ्तार से अस्पताल जा रहा था, लेकिन तभी ये बड़ा हादसा हो गया। और उधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आदमी 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद उसे निकालने के लिए करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। मामला मड़ावरा के सिरोन गांव का है, जहां भारी बारिश के बाद कई जगहों पर मिट्टी धस गई। इसी दौरान लखन नाम का एक आदमी 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने आसपास की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान करीब 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने 20 फीट गहरे गड्ढे में फंसे आदमी को बाहर निकाल लिया। उसके बाद उस आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसी एक प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान जागरूकता की कमी और जरूरी सुविधाओं के अभाव की वजह से लड़कियों के लिए ये दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। लड़कियों को पीरियड्स के दौरान साफ सफाई में मदद देने का प्रयास कर रहा है हार्पिक, जिसका उद्देश्य अपने स्वच्छता पाठ्यक्रम के जरिए 15 मिलियन छात्राओं को प्रभावित करना है। Our vision for 2030 is we are seeing a world where no woman or girl is held back because she menstruates. Where everyone can access the menstrual products of their choice. Period stigma is a history. Everyone has basic information about menstruation and how to manage it. Everyone has access to period-friendly sanitation facilities. Hence, we have partners like Gramalaya who have very rich experience on working on the subjects like this. We also think like the information and the curriculum and the delivery mechanism should be science-based and should be science-led. Like we are coming up with a very interesting character of KK Kitanu, which we will be launching with Network 18 soon. And the second interesting nudge what we are using here is something called Neela Jadugar. So we are coming up with a very, very small short stories. We're coming with the STEM education tools for the girls so that They own this whole agenda. They are in the driving seat. Periods के दौरान बेहतर स्वास्थ्य और साफ सफाई के लिए News 18 Network और Harpic मिशन स्वच्छता और पानी के जरिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं और बेहतर स्वच्छ शौचालयों को बढ़ावा दे रहे हैं।